What's up guys, Danish here from DB Talks. Welcome back to the channel. अब जब हमारा पैकिंग का एक स्टेप आता है, you know, जब वीज़ा सॉर्ट हो गया, फ्लाइट्स बुकिंग सॉर्ट हो गई, everything is good, बस अब जाने की बारी है. अब बस पैकिंग करने की, you know, it's time to pack and it's time to fly. तो सबसे ज़्यादा confusion ये आती है कि यार ले के क्या जाएँ एंड छोड़ के क्या जाएँ. क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि डिफरेंट फ्लाइट कैरियर्स आपको डिफरेंट लगेज का ऑप्शन देते हैं. यू नो, किसी फ्लाइट में आप 23 केजीज लेके जा सकते हो, किसी फ्लाइट में आप 30 केजीज लेके जा सकते हो, किसी फ्लाइट में आप 40 केजीज का वेट लेके जा सकते हो, सो ऑन एंड सो ऑन. तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है कि यार ये चीज़ मैं लेके जाऊँ या ये चीज़ मैं वहाँ से ले लूँ तो ज़्यादा बेटर पड़ेगी, या खामखा इसका वेट होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा. तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको डेफिनेटली इंडिया से आयरलैंड लेकर आनी चाहिए. आपको आयरलैंड से नहीं परचेज करनी, इंडिया से आपको आयरलैंड लेकर आनी चाहिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज़ आती है स्टोरेज डिवाइस, यानी कि हार्ड डिस्क. मैं पेन ड्राइव या एसडी कार्ड या कार्ड रीडर, इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं हार्ड डिस्क स्पेसिफिकली की बात कर रहा हूँ. उसके पीछे का रीज़न ये है कि अब आप चाहे स्टूडेंट आओ, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल की तरह आओ, चाहे आप किसी भी, यू नो, अदर दैन टूरिस्ट, आप किसी भी तरीके से अगर आप आयरलैंड आते हो, बेसिकली स्टूडेंट, बिजनेस या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल की तरह ही आओगे मोस्ट लाइकली, तो वहाँ पर आपको ना स्टोरेज की रिस्ट्रिक्शन नहीं आनी चाहिए. व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, यू नो, फॉर एग्जांपल आपने डेटा साइंस में या क्लाउड कंप्यूटिंग में या साइबर सिक्योरिटी में, यू नो, एडमिशन लिया है, और जब भी आप किसी डेटा को आप अपना स्टोर करना चाहते हो, मान लो प्रोजेक्ट्स को या असाइनमेंट्स को, तो स्टोरेज भरते हुए टाइम नहीं लगता. अगर आप पेन ड्राइव लोगे 128 GB की या 256 GB की, तो वो विद इन, यू नो, 1 month आपकी फुल हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है उसका. हार्ड डिस्क रिलेटिवली थोड़ी बड़ी साइज़ में आती है, 1 TB, 2 TB, 4 TB आपकी स्टोरेज कैपेसिटी में. तो आप, मेरी रिकमेंडेशन अगर आप ये मान सकते हो, तो ये मानना कि आप अपनी हार्ड डिस्क के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स लेआउट कर लो, डिफरेंट फोल्डर्स में डिवाइड कर लो. एक फोल्डर आप अपना CV का बना लो, एक फोल्डर आप अपना LinkedIn का बना लो, एक फोल्डर आप अपने प्रोजेक्ट्स का बना लो, असाइनमेंट्स का बना लो, एग्जाम्स का बना लो, प्रिपरेशन मटेरियल्स का बना लो, वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है, आपको स्टोरेज की, यू नो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए. अगर आपके पास क्लाउड पे स्टोरेज इतनी अवेलेबल है, 1 TB, 2 TB, जैसे भी है, iCloud पे या Dropbox वगैरह में, आपको हार्ड डिस्क की भी ज़रूरत नहीं है. बेसिकली स्टोरेज आपके पास होनी चाहिए, मेक श्योर ऑफ दैट. सेकेंड पॉइंट आता है मेडिसिंस. अब सीन क्या होता है कि जब भी आप दूसरी कंट्री में जाते हो, तो ज़रूरी नहीं है वहाँ का वेदर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का मेडिकल सिस्टम आपके बॉडी को सूट कर जाए. ठीक है ना, आपका जहाँ भी बचपन से, यू नो, जहाँ से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, कहीं ना कहीं आप, हमारे बॉडी ना वहाँ के सिस्टम को अडेप्ट कर लेता है, वहाँ की दवाई को, मेडिसिन को, यू नो, इन चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है. तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो या जिस भी अपनी होम कंट्री से आ रहे हो, तो आप अपने डॉक्टर से एटलीस्ट 1 year की सप्लाई मेडिसिन की, बेसिक इलनेसेस की जो है मेडिसिन, आप अपनी स्टॉक में लेकर आए. जैसे कि फॉर एग्जांपल सर दर्द की मेडिसिन, पेट दर्द की मेडिसिन, बुखार वगैरह की मेडिसिन, ठीक है ना, गला खराब होने की मेडिसिन, ये जनरली सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. अब थर्ड चीज़ आती है यूरोपियन प्लग या यूरोपियन कन्वर्टर. अब सीन ये है कि इंडिया में जैसे कि चार्जर्स जो हमारे होते हैं, यू नो, फ़ोन का चार्जर हो गया, वॉच का चार्जर हो गया, लैपटॉप का चार्जर हो गया, वो ज़रूरी नहीं है आपके सारे के सारे जो है वो यूरोपियन प्लग्स में भी लग जाएंगे. आपको उसके लिए कन्वर्टर चाहिए होता है. अब कन्वर्टर है कैसा, वो मैं आपको दिखाता हूँ. कन्वर्टर कुछ इस टाइप का होता है. ज़रूरी नहीं है कि आपको यही कन्वर्टर लेना है, आप किसी भी टाइप का, आप जस्ट अमेजोन पे अगर आप, यू नो, सर्च करोगे, तो आपको बहुत सारे टाइप के कन्वर्टर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पॉइंट के मिल जाएंगे. अब इसमें होता क्या है, आप जैसे कि से फॉर एग्जांपल ये मेरा यूरोपियन प्लग है, ये मेरा जैसे कि वॉच का चार्जर है, और ये मेरा इंडियन, यू नो, सॉकेट है. तो अगर मेरे पास, मान लो यूरोप में तो हूँ मैं डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली वहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ. बाकी ये एक अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाएगा, ये एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाएगा. इसी का ही एक आगे एक सेक्शन आता है जो कि आपको यूरोपियन कन्वर्जन भी देता है. तो आपके पास ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कोशिश करो कि आप एक मल्टीपर्पज़ लेकर आओ, नॉट जस्ट यूरोपियन. कल को आप मान लो US ट्रैवल करना चाह रहे हो, आपका वही प्लग US में चल जाएगा. कल को आप मान लो इटली ट्रैवल करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़े से डिफरेंट प्लग्स आपको मिल जाएं. नॉट आयरलैंड में अलग प्लग्स हो सकते हैं, स्विट्जरलैंड में अलग प्लग हो सकते हैं, इटली के अलग प्लग्स हो सकते हैं, सो ऑन एंड सो ऑन. तो आप वन स्टॉप शॉप, आप पूरा एक ही मल्टीपर्पज़ प्लग लेकर आना, जो कि आपकी इंडियन डिवाइसेस को जो है वो आप अपना यूरोप में चार्ज कर सको ईजिली. वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ चीज़ जो आती है वो है रेन जैकेट, यानी या फिर रेन कोट. अब ये मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कई बार डिस्कस किया है, क्योंकि सीन सबसे बड़ा ये है कि यार देखो, वहाँ पर आयरलैंड में खास करके अगर मैं बात करूँ,
तो वेदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। अब आप शायद मैंने इतनी बार बोल दिया होगा कि आप सुन सुन के भी बोर हो गए होंगे, बट फैक्ट है आयरलैंड का जो है वो वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो आप चाहोगे कि जब भी आप मान लो कॉलेज जा रहे हो या अपने ऑफिस जा रहे हो तो आपके कपड़े वगैरह गीले ना हो, राइट? तो कोशिश करो कि आप अपना जो भी आप जैकेट्स लेते हो, विंटर्स की जैकेट लेते हो, वो वाटरप्रूफ लो। अगर आप वाटरप्रूफ नहीं लेते, अप टू यू, नो प्रॉब्लम, आप जस्ट एक नॉर्मल रेन जैकेट ले लो, ठीक है, एक पतली सी जैसे रेनकोट टाइप्स जो चीज़ें आती हैं आप वो भी ले सकते हो, अम्ब्रेला भी ले सकते हो, अप टू यू, मगर अम्ब्रेला यू नो इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से काम की चीज़ है नहीं, क्योंकि वहाँ पर विंड भी बहुत स्पीड से फ्लो करती है, तो अम्ब्रेला की भी शेप यू नो ऊपर नीचे हो सकती है, अम्ब्रेला टूट सकता है। मच बेटर आप रेन जैकेट या फिर रेनकोट लो, या फिर वाटरप्रूफ आप अपनी जो भी विंटर्स की जैकेट हो सकती है वो लो। फिफ्थ एंड फाइनल चीज़ आती है यूटेंसिल्स। सबसे ज़्यादा लगेज में वेट ही यूटेंसिल्स का होता है। यू नो लोग, मैंने देखा है एक्चुअली, और पर्सनली मैंने देखा कि एक्चुअली मेरे खुद के साथ भी हुआ है। मेरा कोई आयरलैंड में रहता नहीं था, तो जब मैं आयरलैंड जा रहा था तो काफ़ी सारी चीज़ें ले गया था मैं एक साथ यूटेंसिल्स में। मैं कुकर भी ले गया था, मैं तवा वगैरह भी ले गया था रोटी वगैरह बनाने के लिए, मैं पैन भी ले गया था, मैं अलग से फ्राई पैन भी ले गया था, मैं सब कुछ, मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं इतनी सारी चीज़ें ले गया था। टेक्निकली आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ तीन यूटेंसिल्स की ज़रूरत है। नंबर वन, कुकर। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा वेट होता है, मगर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप यू नो 10 लीटर का कुकर ले जाओ या 20 लीटर का कुकर ले जाओ। कुकर में आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, चावल बना सकते हो, बिरयानी बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो, जैसे कि दाल वगैरह बना सकते हो, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें बन जाती है आपकी, काफ़ी सारी सब्जियाँ बन जाएंगी। तो आप एक कुकर ज़रूर रखना, मल्टीपर्पज़ चीज़ है, मेक श्योर आप कुकर, प्रेशर कुकर ज़रूर रखो। सेकेंड नंबर पर आप एक पैन रख लो, जिसे कढ़ाई भी बोलते हैं, ठीक है, एक कढ़ाई रख लो। अगर आप कढ़ाई रख रहे हो तो टेक्निकली आपको तवे की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप मान लो आयरलैंड जाके आप आटा वगैरह खरीद रहे हो या रोटी बनाने का आपका मन कर रहा है, आप पैन में ही बनाओ ना, ठीक है। मल्टीपर्पज़ आप चीज़ों को यूज़ करने का जो है वो एक थॉट रखो हमेशा दिमाग में कि यार ये चीज़ मेरी सब्जी बनाने के भी काम आ जाएगी, ये चीज़ मेरे चावल बनाने के भी काम आ जाएगी, और ये चीज़ जो है मेरी रोटी बनाने के भी काम आ जाएगी। कुकर में आप रोटी बना नहीं सकते, यू नो कुकर की थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा होती है, तो आप कुकर में रोटी बना नहीं सकते, मगर आप पैन में तो बना सकते हो, ठीक है ना। आप जस्ट एक नॉर्मल यू नो कढ़ाई में आप अपना नॉर्मल रोटी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अलग से चीज़ें मत लो, जो फ्लैट वाले जो पैन से होते हैं वो अलग से वो आप मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। थर्ड यूटेंसिल जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है वो है एक चाय का बर्तन, ठीक है। अब आप वो आपके ऊपर एक छोटा सा रखो। अब जनरली इंडिया में क्या होता है, चाय, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टी जो है वो कहीं ना कहीं लगभग सभी का पेट्रोल है मेरे हिसाब से, अगर आप देखो तो, ठीक है। कॉफ़ी की इतनी टेंशन नहीं है, बाकी चाय बनाने के लिए आप, अगर आप जब भी चाय बनाना चाहते हो, ना आप कढ़ाई में चाय बना सकते हो, ना आप कुकर में चाय बना सकते हो, राइट? तो चाय के लिए एक सेपरेटली छोटा सा बर्तन एक और आप अपने साथ रख लेना। बाकी इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आइलैंड में आपको जनरली, आप जब भी अकोमोडेशन लेते हो, आपको वहाँ पर माइक्रोवेव की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, और जनरली हर घर के अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ बर्तन पहले से ही मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको यू नो बेसिक कटलरी वगैरह हो गई, प्लेट्स हो गई, कप्स हो गए, तो ये सब रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर्सनली मैं लेके गया था, बिल्कुल वाइस डिसीजन नहीं था, मगर वाइस डिसीजन मैं करता भी कैसे, कोई था नहीं ना मैं बताने वाला, मगर आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप यू नो छोटे कप, ग्लासेस, फोक्स, स्पूंस, नाइव्स, ये सब बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है, खामखा एक्स्ट्रा वेट ऐड होगा। प्लेट्स बिल्कुल मत रखो, ये सारी की सारी ट्रस्ट में आपको ऑटोमेटिकली वहाँ मिलेंगी, जिस भी अकोमोडेशन में आप चले जाओ। अगर आप हॉस्टल में जा रहे हो आपको वहाँ मिलेगी, आप नॉर्मल किसी फैमिली हाउस में जा रहे हो आपको वहाँ मिलेगी, आप अपने कॉलेज के हॉस्टल में जा रहे हो आपको वहाँ मिलेंगी, आप जस्ट रेगुलर आप एक घर अपने लिए यू नो रेंट पे ले रहे हो आपको वहाँ पे भी मिलेंगी। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से आप तीन ही चीज़ें रखो, दैट्स इट, एक चाय का बर्तन, एक कढ़ाई और एक कुकर, दैट्स इट। तो बस यार ये थी बेसिक चीज़ें जो कि मेरे हिसाब से आपको आयरलैंड लेकर आनी चाहिए। इसके अलावा आप ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें मत डालना। कुछ खाने पीने की चीज़ें अगर आपने रखनी है तो वो आप लाइक इट्स अप टू यू, आप जो रखना चाहते हो आप वो रखो, मगर वेट जो है वो ऑब्वियसली आपको मैनेज करना पड़ेगा, मगर इन चीज़ों से अपना वेट और ज़्यादा मत बढ़ना, ठीक है। एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ें मत रखना, मल्टीपर्पज़ चीज़ें रखना, जिसका आप चीज़ एक हो, यूजेस पाँच हो या छः हो, ठीक है, इस टाइप की आप चीज़ें ज़रूर रखना। तो बस थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Enjoy.